देखिए, अलीगढ़ के अंदर एक तुगलकी फरमान जारी किया है नगर निगम ने। पहले नगर निगम ने कुछ दिनों पहले या कुछ माह पहले ई रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम ने कहा कि मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ और तब ई रिक्शा चलाओ। इन लोगों ने वो भी किया, गरीबों ने। ई रिक्शा जो चलाते हैं जिससे अपने कम से कम हजारों की तादाद में है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद में है, जिनका भरण पोषण इस ई रिक्शा पर निर्भर है। ये कहीं ना कहीं नगर निगम ने वो जो कहा उसको भी किया कि भाई इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। अब उसके बाद इन्होंने फरमान बदल दिया, इन्होंने कहा नहीं जी, अब पुराने ई रिक्शा नहीं चलेंगे। इनके नए नए ई रिक्शाओं को काट दिया गया। उसके बाद नया फरमान आता है, नया फरमान ये आता है कि आप कहीं ना कहीं RTO में जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ। ये बेचारे दौड़ करके दूसरी गाड़ी खरीद करके RTO में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब RTO में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये नगर निगम कहता है कि मुझे भी पैसे दो। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप जो वसूली करना चाहते हो किस नियम के तहत करना चाहते हो, किस यातायात के नियम के साथ करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी तमाम तरह की गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन उन्होंने RTO दफ्तर में कराया हुआ है, इसी तरह से ई रिक्शा ने जब करा लिया तो तुम्हें नगर निगम क्यों पैसा ई रिक्शा वाले दे? क्या अन्य गाड़ियों से भी नगर निगम वसूली करता है? और अगर नगर निगम ई रिक्शा से वसूली कर रहा है जो कि साफ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये कहूँ कि ये चौथ वसूली है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इसलिए लग रही है भीड़ क्योंकि नगर निगम हम लोगों से 1700 रुपये वसूल कर रहा है। 2022 1 अप्रैल 2022 को नगर निगम ने 1700 रुपये लेके हमसे और हमारी गाड़ी पास करी थी 31 मार्च 2023 के लिए। कुछ महीने बाद में ही ITO ने ये कहा कि बिना नंबर की गाड़ी नहीं चलेंगी, अब नंबर वाली गाड़ी चलेंगी, जिसमें सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, फिर लोगों ने कर्ज लिया, उधार लिए, भी चीज़ें बेची और नंबर वाली गाड़ी ली। नंबर वाली गाड़ी जब हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया, फिर अब हमारी जो है नगर निगम परेशान कर रहा है कि 1700 रुपये आपको देने होंगे अगर नगर निगम की सीमा में गाड़ी चलानी है तो, वरना गाड़ी आपकी जब्त कर ली जाएगी या घर पर जाइए बैठ के। तो एक साल में 3-3 बार हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 तक एक साल पूरा होता है। इन एक साल में 3-3 बार हमसे पैसे वसूल किया जा रहा है। हम एक बार साल में पैसा देना चाहते हैं, ITO ले ले या नगर निगम ले ले, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारा कोई मतलब स्टैंड नहीं है जहां हम गाड़ी को सवारियों को उतार सकें और अपनी सवारियों को बिठा सकें। जो चाहता है वो ये कहता है कि गाड़ी आगे बढ़ा लूँ, हमारा स्टैंड बनना चाहिए। और DM साहब से मेरी मतलब ये है कि आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि हमारा स्टैंड बनाकर हमसे ये तय कराया जाए कि हम पैसे ITO को एक बार दें या नगर निगम को दें। बस ये हमारी समस्या है सबसे बड़ी। अभी हमें गलती हुई सोचने दे पाए, लेकिन आज हम 16 मीटिंग करके हुए यहाँ पर, लेकिन जो हम तो नगर निगम अवैध वसूल कर रहा है। तो आप तंग आ चुके हैं नगर निगम? तंग आ चुके हैं। क्या क्या नगर निगम के लोग क्या क्या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? दुर्व्यवहार कर रहे हैं, 1700 रुपये काट रहे हैं, जबरदस्ती जो मेरे पास RC है, जो बीमा है और हमें लोन पर रिश्ता लिया हुआ गया है। अब या तो DM साहब हम तो जे करें या नगर निगम पास करें या RTO साहब पास करें, हम साल में हम तो कोई भी पैसा ले सकता। अगर ये नहीं मांगे तो हम सड़क पर बैठ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। सरडे मनोज भाई, सर सरडे सर आप तो अधिकारी तो वो भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा था मनोज भाई। हाँ भाई बताओ क्या कहना चाहते हैं। यही जो मेरे बड़े भाइयों ने बताया वही कहना चाहता हूँ सर। मनोज भाई, तुम तो बढ़िया मीट की दुकान चलाते थे, उसमें अच्छा कमाई होती है, तो ट्री क्यों चला रहे हो? वो कमाई नहीं है जी, सरकार ने ऐसा कर रखा है घोटाला, मतलब हर गरीब आदमी परेशान है, करा क्या जाए। तो ट्री पे उतर आए तुम? बिल्कुल, जहाँ दो पैसे दिखेंगे वहाँ आदमी जाता है, जहाँ गरीब हो, गरीबी तो हटाना पड़ेगी, बीवी बच्चों का तो पेट पालना पड़ता है। मनोज भैया, तुम लोग भी तो बड़ी लापरवाही तरीके से गाड़ी चलाते हो, ब्रेक है नहीं, किसी में भी ठोक देते हो। ऐसे कैसे ठोक देंगे, उस दिन तो तुम ही ठोक देते मेरी गाड़ी को बुलेट से। ठोकते नहीं, ठोकते लाल टिक्की चौराहे पे। मनोज भाई जी चाचा, आप कायदे की बात है ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि सर या तो ITO वाले पैसे ले लें साल में या नगर निगम ले लें। ये कि ITO वालों ने नई गाड़ियाँ बनवा दी, ITO से पास करा ली सभी, फिर भी लोग
नहीं मानते हैं वो जबरदस्ती गाड़ी पकड़ते हैं। नगर निगम पैसा क्यों मांग रहा है? एक मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। नगर निगम पैसा क्यों मांग रहा है? नगर निगम पैसा क्यों मांग रहा है उसकी वजह बताइए मुझे आप, क्यों मांग रहा है नगर निगम पैसा? गाड़ी चलेगी, RTO पास करेगा, हमने गाड़ी करा ली, अब नगर निगम पैसा क्यों मांग रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है मतलब? आप बोलिए, ये अवैध वसूली ही कर रहे हैं हमसे। मेरी उपनगर आयुक्त साहब से बातचीत हुई थी, मैंने उनसे ये कहा था कि जब ITO गाड़ी आपने हमें ITO ने नंबर दिया तो नंबर वाली गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद में गाड़ी चल रही है, बोले साहब नगर निगम की सीमा में चलेंगी तो आपको देना होगा। तो मैंने कहा नगर निगम की सीमा में तो कार भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, स्कूटर भी हैं, आप उनसे वसूल क्यों नहीं कर रहे? अरे ज्ञापन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपके राइट से हमारा समस्या का समाधान हो जाए, और अगर समस्या का समाधान 2 या 4 दिन में नहीं होता है तो फिर ट्रेनरी वाले मजबूर हो जाएंगे यहाँ धरना बैठेंगे, हम धरने पर बैठेंगे जाम लगाने के लिए भी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। जाम बांधो काम होता है, फिर भी ऊपर नगर निगम वाले पर 70,000 रुपए दोगे तो गाड़ी छुड़ा कर ले जाओगे, 70,000 नहीं दोगे पूरी भी नहीं दोगे। दूसरी बात, पुरानी गाड़ी नगर निगम वाले ने पूरी खड़ी कर ली, उसमें से एक गाड़ी नहीं दी भाई साहब, मजदूरी वाला आदमी क्या कर रहा, पूरे दिन में 400-500 कमाता है एक टाइम की, पूरे दिन में 400-500 कमाता है एक टाइम की रोटी खाता है, बच्चे 4-4 पढ़ लेंगे वो क्या खाएंगे आदमी है, पूरे दिन में 70,000 रुपए दे दो नगर निगम वालों को, भाई हम लोग क्या करेंगे, भूखे प्याज देरी मर दें। मोदी तेरे राज में कटोरा गए हाथ में, ये मतलब ये चक्कर क्या है नगर निगम का, क्या चक्कर समझ में नहीं आ रहा। ये रजिस्ट्रेशन गाड़ी ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है सारी, तो मतलब इनको क्यों परेशान करा जा रहा है ITO पास गाड़ियों को, सारी गाड़ी ITO पास चल रही है तो ये साला नगर निगम कहाँ तक घुसाया इसमें? कोई गाड़ी नहीं चला ITO के पास है, बताओ ITO के पास निगम वाले नहीं चलाने देते और 1700 रुपये मांगते हैं, अगर गाड़ी लेके भी आ रहे हैं सवारियों को उतार देते हैं, और जो है जो तुम्हारी जेब में उन पैसों को दे जाओ, रसीद कटवा ला जाओ, जब जमा कर जाना। जब तो अगर परेशानी की बात आवे तो कौन कौन लोग तुम्हें विभाग के लोग परेशान करते हैं? इस टाइम तो नगर निगम वाले ही परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले पास RC ने पैसे नहीं थे तो RC छीन ली मेरी, उनको पैसे ले आना RC ले जाना नगर निगम वालों ने, 1700 रुपए ले आए, 700 की रसीद है नगर निगम वाले साहब, 1700 रुपए मांगे थे और 700 की रसीद दे रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे तो RC लेके आओ, RC ले ली तो रसीद काट के दे दी, पैसे ले आना। पुलिस वाले भी 1000-1500 रुपए ई रिक्शा वालों से मांगते हैं, तो कहाँ से ला के देगा ई रिक्शा वाला, काई बात के मांगते हैं, उन्हें रोड पे चला रहे हो, उन्हें पैसे दो, नो पार्किंग में खड़ी कर रहे हो, उनमें चालान काट रहे हैं, सवारी नहीं लेने दे वाले को पैसे दो, मेडिकल जाकर मेडिकल में 30 रुपए की पर्ची कटती है ट्रिरी वालों की, 30 रुपए की, जब अंदर से सवारी लेके आता है पूरे दिन की है, एक बार पूरे दिन की मतलब 100 गाड़ी चलेंगी, 100 गाड़ी के हिसाब से लगा लिए, 30 रुपए से कितने हो गए, 30 रुपए गाड़ी लेते हैं। पहले सर नगर निगम की गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी चलाते थे तो ITO वाले परेशान करते थे, गाड़ियां पकड़ते थे, अब जब उन्होंने वो नगर निगम की गाड़ी बंद कर दी है, अब ITO वाले की गाड़ी जब खरीद ली है, ITO वाले ने हमारी गाड़ी जब्त कर ली, गाड़ी भी नहीं दी, वो पर्ची दे दी, अब जो नंबर गाड़ी कोर्ट से छुड़ाना, हम पे इतने पैसे होंगे जब इसे कोर्ट से छुड़ाएंगे, गाड़ी भी नहीं दी, गाड़ी भी जब्त कर ली, ये इन बच्चों ने क्या गरीबी रखा है। आप देख सकते हैं ये सभी लोग ट्रेनरी संचालक है और इस स्थिति में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना ये है, आरोप इनका ये है कि इनका शोषण लगातार ITO नगर निगम और अन्य विभाग के लोग करो।